हाय फ्रेंड्स, आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये है मेरे बेडरूम की एक साइड वॉल, जिसका मैं आज मेकओवर करने जा रही हूँ एक इजी DIY बनाते हुए। तो चलिए बनाते हैं DIY। वॉल मेकओवर करने के लिए मैंने लिए हैं एम्ब्रॉयडरी हूप, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अमेजन से मैंने परचेज किए हैं 300 रुपीज में। और ये मेरे कुछ पुराने कुर्ते हैं जिनको मैंने निकाल लिया है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपने पुराने कुर्ते का। आप देख लीजिए कि वो थोड़ा रफ ना हो और एटलीस्ट यूजेबल हो, थोड़ा शाइन इसमें बरकरार हो या कोई होल्स ना हो। तो ये कुर्ता मेरा है जिसका मैं प्रयोग करूंगी। मैंने अपने कुर्ते में से एक पैच काट लिया है, जो कि मैं इसके ऊपर, ये वुडन एम्ब्रॉयडरी हुप है, इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है। और अब मैं इसके ऊपर जो ऊपर का इसका पोर्शन आता है, इसको मैं लगा दूंगी। और इसको आप अच्छी तरीके से फिट कर दीजिए। और नीचे का जो कपड़ा है, इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए ताकि ये टाइट हो जाए। और अच्छी तरीके से आपको दोनों साइड से पूरा राउंड करते हुए इसको खींचना है। और फिर ये इसमें एक बोल्ट दिया रहता है जिसको आपको कसना होता है। इसको आप अच्छी तरीके से टाइट कर दीजिए ताकि ये पूरा एक फिटेड आपका लुक आए और अच्छा लगे। तो मैंने इसको उसी तरीके से कर दिया है। ये मैं सेकंड कुर्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें मल्टीपल क्लोथ्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स के लिए एक क्लोथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ऊपर है आपको किस प्रकार का मेकओवर करना है। फिर से मैं एक हुप का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने रख दिया है क्लोथ, जो कि मैंने फिर से काटा अपने पुराने कुर्ते में से, और इसको इसमें फिट कर दिया है। और जैसा मैंने आपको बताया, इसको फिट करके अच्छी तरीके से कस दीजिए। अब जो ये कपड़ा रिमेनिंग रह जाता है नीचे, इसको आप या तो, आपके पास ग्लू गन है तो आप इसको पीछे ग्लू गन से स्टिक कर सकते हैं। ग्लू गन नहीं है तो आप इसको इस तरीके से काट भी सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इसको चारों तरफ से काट दिया और बाकी कपड़ा बिल्कुल नहीं दिखता है, वॉल में ये स्टफ हो जाता है। मैंने 5 एम्ब्रॉयडरी हुप्स लिए थे और मेरे ये 5 एम्ब्रॉयडरी हुप 2 कुर्तों की हेल्प से ये रेडी हो गए हैं और अच्छे लग रहे हैं। बस इसको अब वॉल पे लगाना बाकी है। एम्ब्रॉयडरी हुप मेरे बनके रेडी हो गए हैं। और ये देखिए, ये जो मेरी वॉल है, इस पे मैं इसको प्लेस करने जा रही हूँ। मैंने पहले से नेल्स अपनी वॉल पे लगा लिए हैं और एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है नेल्स के द्वारा। और अब मैं इसके ऊपर, इसके जो मैंने हुप्स क्रिएट किए हैं क्लोथ्स लगा के, ये मैं इसके साथ लगा दूंगी। तो आप जिस भी प्रकार का एक स्ट्रक्चर या डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं वॉल पे, उस प्रकार से आप उनको हैंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने इनको अच्छी तरीके से आसपास मैंने चिपकाया नहीं है, बस इनको अच्छी तरीके से टांग दिया है ताकि ये फैन या किसी हवा की वजह से निकले ना। और आपके नेल्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और कपड़ा बाहर नहीं निकला होना चाहिए, बिकॉज आप उनको काट रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप इतने अच्छे से काटें कि वो निकले ना, या फिर आप ग्लू गन की सहायता से उसको स्टिक कर दें वहाँ पे। ये आप देख सकते हैं मेरी वॉल, एकदम इसका लुक चेंज हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्राइट लग रहा है, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। और मुझे लगता है जो भी इसको देखेगा उसको अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ में तैयार हो गया है। एक पूरी वॉल मेकओवर हो गई है विद इन 300 रुपीज़। तो आप भी इसी प्रकार से ऐसे कुछ बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अपने घर में एक वॉल का मेकओवर कर सकते हैं। या आप मेरी वॉल का बिफोर एंड आफ्टर लुक देख सकते हैं कि छोटे से बजट से, छोटी सी आपके सोच से, आप अपनी वॉल या डेकोर में कितना चेंजेस ला सकते हैं।